वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो क्लास 9, लुक एट यूनिट नंबर 3, डिमांड यानी तलब। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 टूडे। क्वेश्चन नंबर 2 इज What does the law of demand means and give its limitations also? यानी अब आपने दोबारा से बताना है कि क्या है कानून तलब से क्या मुराद है, यानी उसका मतलब क्या है, और आपने उसकी कानून तलब के दूध क्या क्या है आपने उसके बारे में डिटेल से बताना है। सो द आंसर इज लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन गुड राइजेज देन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड इफ प्राइस इज फॉल्स देन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। इट शोज दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल इक्वेशन इट विल बी रिटन एज फॉलो, क्यू डी इज इक्वल टू एफ पी। क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए अगर कीमत बढ़ती है तो इस शेयर की मकदार कम तलब की जाती है, और अगर शेयर की कीमत गिरती है तो इस शेयर की मकदार ज़्यादा तलब की जाती है। और इससे जाहिर होता है कि मकदार तलब कीमत का तफाइल है, और इसकी तफाइली मसावत यूँ होगी, यानी क्यू डी इज इक्वल टू एफ पी। यानी जब भी आपको इंट्रोडक्शन आपने लाजमी देना है, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, आपने लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग यानी या उसकी डेफिनेशन ज़रूर। सो द लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड आर द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई इन द सच केसेस, यानी कानून तलब की जो हदूद हैं वो खास हालात में या बाज़ अशिया पर यह कानून दुरुस्त साबित नहीं होता, इसलिए कानून के कुछ हदूद मौजूद हैं जिसकी वजाहत की जाती है। नंबर 1 पे था इन्फीरियर गुड, यानी घटिया अशिया। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड पीपल डू नॉट बाय मोर इवन इफ इट्स प्राइस डिक्रीज, सो द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई इन सच केसेस, यानी ये वो अशिया होती हैं जिनको कम दर्जे की हामिल समझा जाता है। इन अशिया की कीमत अगर गिर जाती है तो सारफ इनको ज़्यादा मकदार में नहीं खरीदता, लिहाजा इन अशिया पर कानून तलब लागू नहीं होता। नंबर 2 पे आ जाता है स्कार्स गुड्स, यानी कलील अशिया। अब उसमें क्या है, फॉर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स इज एक्सपेक्टेड, पीपल विल इंक्रीज देयर डिमांड इवन ऑफ इट्स प्राइस इंक्रीज द इट दिस इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, सो द लॉ विल नॉट होल्ड। यानी अगर मुस्तकबिल करीब में किसी शेयर की किल्लत पैदा होने का ख़तरा हो तो भी लोग कीमत बढ़ने पर ज़्यादा मकदार तलब करते हैं, ये भी कानून के खिलाफ है। इस ऐसी सूरत में भी कानून तलब का इतलाक नहीं होता। नंबर 3 पे आ जाती है गिफन गुड, यानी गिफन अशिया। क्या है, प्रोफेसर गिफन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफन गुड्स, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स व्हेन प्राइस इंक्रीज मोर इन डिमांड एंड द लेस ऑफ इट इज डिमांडेड इफ प्राइस इज लोअर इट गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। यानी अगर गिफन अशिया का जो तस्वुर था वो प्रोफेसर गिफन ने पेश किया था, इन अशिया पर भी कानून तलब लागू नहीं होता। मसलन गंदम के मुकाबले में जो होती है उसकी एक अदनाशा है, और अगर जो की कीमत कम हो जाएगी तो लोग इसकी तलब बढ़ाने की बजाय गंदम की कुछ ज़्यादा मकदार खरीद लेंगे, जो कि तलब में इजाफा नहीं होता। इसी तरह से बात होती है लास्ट पे नंबर 4 प्रीशियस गुड, यानी निहायत कीमती अशिया। पोसेशन ऑफ एनी गुड इज थॉट टू बी अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज और डिस्टिंक्शन, पीपल विल बाय दैट कमोडिटी इवन एट हायर प्राइस, इट मीन्स दैट द राइजिंग प्राइस विल नॉट लोअर द डिमांड ऑफ द सच प्रीशियस गुड। यानी अगर किसी शेयर का इस्तेमाल बाइस इम्तियाज समझा जाए, मसलन कीमती हीरे जवाहरात वगैरह, इनकी कीमत में भी इजाफा हो भी जाए तो तलब कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके इस्तेमाल से वो लोग मुनफरिद नजर आएंगे। सो लर्न क्वेश्चन नंबर 2 एंड राइट ऑन योर कॉपीज। थैंक यू। डू लाइक एंड कमेंट ऑन वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी कंपेनियंस। थैंक यू।